सुखेभ्यो विरक्तम् भजेहं दयानंदमीड्यं मुनीशम्। ॐ शांति शांति शांति। मंच पर बैठे हुए परम श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद जी और अभी जिनके आप बहुत ही सुंदर उपदेश सुन रहे थे सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, और जो दर्शनों के माध्यम से अपने विचार जगह जगह पहुंचा रहे हैं, ऐसे आचार्य सानंद जी, इस गुरुकुल के आचार्य उदयन जी, मंत्री डॉक्टर धीमान जी, अजय जी के अभी बहुत सुंदर भजन आपने सुने, समस्त संन्यस्त वृंद, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, ब्रह्मचारी भी वार्षिकोत्सव के दिनों में पूरी तरह से थक जाते हैं। ये देखो छोटे छोटे ब्रह्मचारी ऊंग रहे हैं आप, तो ब्रह्मचारी हो, सुनते सुनते कई बातें समझ में भी नहीं आती कि ये कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, कहां से आए हैं ये। तो कोई नहीं, आपको सुनना है, बार बार सुनना है, ऐसे ही संस्कार पड़ते हैं बच्चों पर। सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा चल रही है और अभी सानंद जी ने बहुत ही सुंदर बातें अपने जीवन की बताई कि मैं कैसे बदला, स्वानुभूत प्रयोग बताया है। सचमुच में आर्य समाज के सब लोग इस ग्रंथ का फिर से पाठ करना शुरू कर दें तो आर्य समाज के अंदर एकता स्थापित होगी। जो आपस में झगड़े चल रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, वो समाप्त हो सकते हैं। जैसे आचार्य शंकर की प्रस्थान त्रयी के तीन ग्रंथ माने जाते हैं, कौन कौन से? गीता, शंकर भाष्य जो वेदांत दर्शन पर किया उन्होंने, और तीसरा उपनिषद है। तो जैसे आचार्य शंकर की ये प्रस्थान त्रयी तीन ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं और इस पर सारे सनातन जगत के लोग बड़ी श्रद्धा से इस पर पढ़ते हैं, इस पर स्वाध्याय करते हैं उनके ग्रंथों का, और उत्तर भारत में तो नहीं लेकिन दक्षिण भारत में जितने भी मठ मठांतर हैं वो सब आपको एन केन प्रकारेण आचार्य शंकर के अनुयायी मिलेंगे। शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, और उनका पता कैसे लगता है? एक दक्षिण भारत में एक विद्वान मिले, पता नहीं कहां दिल्ली में मिले मुझे, बड़े हृष्ट पुष्ट और बहुत मोटी शिखा रखे हुए, और चतुर्वेदी स्वामी बोला करते थे उनको, और बिल्कुल नौजवान। तो मुझे भी कोई मिलने के लिए ले गया, मैं गया तो उनकी वक्तृत्व को सुन करके, वो संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल में, जर्मन में, पता नहीं कितनी भाषाओं में धारा प्रवाह बोलते थे। और एक बार तो वो हिप्नोटाइज कर ही लेते थे लोगों को, चाहे कोई भी चला जाए। तो मैंने सुना, भाई स्वामी जी तो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, पर मित्रों यदि दयानंद को पढ़ लेते स्वामी जी तो और भी जीवन में कायाकल्प ये हो सकता था कि
ये पुंडरक इधर लगा दिया और ये इधर लगा दिया।